इस वक्त हम इम्फाल वेस्ट के उस इलाके में मौजूद हैं जहां बीते दिनों जबरदस्त हिंसा हुई और दर्जनों गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं कि जिन गाड़ियों को आग के हवाले किया गया, अब उन्हें प्रशासन द्वारा सड़क से हटाया जा रहा है। ये वो इलाका है जहां बीते कुछ दिनों में ज़बरदस्त हिंसा हुई है। आम लोगों की जो गाड़ियां हैं वो हिंसा पर उतारू भीड़ ने जलाकर खाक कर दी और अब इन गाड़ियों को यहां से हटाया जा रहा है। मैती, कुकी, नगा समुदायों के बीच अनुसूचित जनजाति में शामिल कराए जाने की जो मांग बीते काफ़ी लंबे समय से चल रही थी मैतेई समाज की तरफ से, उसको लेकर आए हाईकोर्ट के एक निर्देश के बाद संभवतः उसे गलत तरीके से लिया गया और उसके बाद चुराचांदपुर, जो कि इम्फाल से करीब 60-65 किलोमीटर दूर पड़ता है, वहां पर एक मार्च निकाला गया था आदिवासी समाज की तरफ से और उस मार्च के बाद से ही जो हिंसा है वो भड़क उठी। और न सिर्फ चुराचांदपुर बल्कि मणिपुर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों में हिंसा हुई है। करीब 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये तस्वीरें देखिए जो उस भयावह मंजर को बयां कर रही है जब मणिपुर की सड़कों में ये गाड़ियां जलाई गई थी। ये पहाड़ी इलाका जो दिखने में तो बड़ा सुंदर है लेकिन यहाँ जो मैतेई समुदाय है, नगा समुदाय है और कुकी समुदाय, उनके बीच में एक काफ़ी पुराना विवाद चला आ रहा था जो अब काफ़ी विध्वंसक हो गया और कुछ इस तरीके से अब सेना की तैनाती चप्पे चप्पे पर की हुई है। ये तस्वीरें देखिए आप कि भारतीय सेना के जो जवान हैं वो अब मणिपुर के अलग अलग हिस्सों में तैनात हैं ताकि ये जो हाल हुआ है इम्फाल का, मणिपुर की राजधानी का, और साथ ही जो दूसरे इलाके हैं मणिपुर में उनका जो हाल हुआ है अब उसे कंट्रोल किया जा सके, उसके लिए बड़े पैमाने पर जो मणिपुर पुलिस है, इसके अलावा भारतीय सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेस, उनकी तैनाती की गई है ताकि अब कोई हिंसा ना भड़क सके। हालांकि छिटपुट घटनाओं की सूचना ज़रूर आ रही है लेकिन उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही, लेकिन 50 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, सैकड़ों लोग घायल हैं, अनधिकृत आंकड़ा और कहीं ज़्यादा हो सकता है, लेकिन फिलहाल हज़ारों लोगों को या तो मणिपुर से बाहर निकाला गया है, वो खुद छोड़कर गए हैं बचते हुए, या फिर उनके लिए रिलीफ कैंप लगाए गए हैं जहां पर अलग अलग समुदायों के लोगों को रखा गया है। लगातार शांति बहाली की अपील की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री बीरेन्द्र सिंह ने भी कल सर्वदलीय बैठक की जिसके बाद अपने राज्य में हालात पर काबू पाने को लेकर आगे क्या रणनीति रहती है उस पर चर्चा की गई। हालांकि उन्होंने ये संकेत ज़रूर दिए कि चुराचांदपुर में जहां कर्फ्यू लगाया गया है वहां कर्फ्यू में अब ढील दी जाएगी, लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी की सरकार में इतना बड़ा कांड हो गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत पूरी बीजेपी कर्नाटक में चुनावों में रैलियां करने में व्यस्त है। सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मणिपुर का दोषी कौन है। उत्कर्ष कुमार सिंह, टाइम 8, इम्फाल, मणिपुर।